हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ निकल चुके हैं भैया, आगे बताते हैं। यहाँ पे हमारे पीछे दाऊ भैया आते हुए। दाऊ दाऊ भैया जिंदाबाद। तो हम लोग जा रहे हैं कहीं ब्राह्मण भोज करने। ब्राह्मण भोज में निमंत्रण आया है, हम लोग वहाँ पूड़ी छानने जा रहे हैं। पूड़ी छानेंगे गाइज। हम लोग जो है गांव की जो पूड़ियाँ होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, क्या ही बताएं हम आप लोगों को। मैं पूरी खा लूँगा उसके बाद। पाँच तू कैसी खा रहे? बारह खा ली। तो गाइस ये लोग बारह पूरी खाएंगे। हमारी टीम कम नहीं है, हम लोग भी 20 चीज खाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पेट को भी बचाना रहता है किसी। खैर यहाँ की देसी पूरी है, बच जाते दमदार है। थोड़ी है उनकी मशीन दमदार है, इसको घर भी हजम कर जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए सब लोग कितने हुए। निमंत्रण भोज दिखाते हैं हम लोगों का, ब्राह्मण भोज कैसा होता है। शाम हो गई है, इतना धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत तगड़ा शाम सनसेट हो चुका है, थोड़ा धीरे धीरे अंधेरा होता हुआ। और अब रेस स्टार्ट हो चुकी है। दाऊ भैया आगे गाड़ी दिखा चुके हैं, देखिए कितनी दूर है, चल करके दिखाता है। हमारी गाड़ी भी कम नहीं है, रास्ता पहुंच रहा है, 50 क्रॉस कर रहा है, मोड़ आ गया। और यहां से हमको तो पीछे करते हुए, और यहां से पीछे होते हुए, अरे और ये पीछे हो गए हम जीतते हुए। तो साल लोग आगे अभी विवाह करते हैं, देख लूंगा आगे, आगे देख लूंगा। जेकी हो रास्ता नहीं चला, बढ़िया रास्ता जेकी चला। इधर से भी रास्ता था, हम दिखा दें, पीछे कच्चा रास्ता है पर उधर से जाएंगे नहीं, ये पक्का रास्ता है तो इधर से चलते हैं। बाइक है, कच्चे रास्ते से दिक्कत होती है। इनसे एड्रेस पूछ रहे हैं। एक चचा थे, भाई चरा गाय चरा रहे हैं, उनसे एड्रेस पूछ लिया है हम लोगों ने। निमंत्रण खाने के लिए जा रहे हैं ब्राह्मण भोज। इस समय दोनों लोग बराबरी चलते हुए, अरे भगा लिए। बिसर गए हैं, बिसरना अवधि कहते हैं भूलने को। यस यस, लेट्स टर्न यू टर्न। और अब कच्ची रास्ता आ गई है, गांव की रास्ता जनरली इसी तरह होती है, फर्जिया लगा होता है ईट का।
पहले गांव में मिट्टी का रास्ता हुआ करता था, फिर धीरे धीरे अपडेट हुआ, ये ईंट ईंट का खड़िया बनने लगा, अब तो इंटरलॉकिंग भी हो जाता है, पर हमारे गांव में इतना विकास नहीं हुआ है कि यहाँ इंटरलॉकिंग हो। यहाँ से हम लोग थोड़ा रास्ता भ्रम हो गया, मुड़ना है। तो आज का ये गांव का ब्लॉग कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, वैसे ही ट्राई करते रहते हैं अपने ब्लॉग में। लगता है पहुंचने वाले हैं, बहुत खराब रास्ता है और ये पहुंच गए। अरे वाह, यहाँ पे पार्किंग होगी। ओह दाऊ, कहाँ हालिया पहुँच गया? यही आने को चिट्ठियाँ यहीं गए रही। कहो पहुँच गया या यार करता। तो यहीं हम लोग खाने आए हैं, वहाँ पर स्टॉल वगैरह लगना है, खा के देखते हैं। यहाँ ब्राह्मणों को कपड़ा उतार के खाना खिलाते हैं, इसी तरह कपड़ों में पूरा कपड़ा नहीं नीचे का पहने रहते हैं, सिर्फ ऊपर को उतारते हैं और बाद में दक्षिणा भी मिलता है हम लोगों को। तो भैया हम लोगों का भोजन हो गया, हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और रात भी हो चुकी है, तो चलिए अब मिलते हैं अपने घर पे। रास्ता जो है थोड़ा अंधेराजनक तो है नहीं, क्योंकि बाइक है क्या महाराज? यस, गाँव के रास्ते हम लोग चल रहे हैं, रात हो चुकी है, तार बने ताकि गाय न फंसे खेत में। मुसाफिर हूँ यारों, घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना, मुझे बस चलते जाना। एक राह रुक गई और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा तो इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, बाइक में तेल डलवाना था। ये पेट्रोल पंप का नज़ारा आप देख सकते हैं पीछे, इंडियन ऑयल। पानी की ड्रॉप गिर रही, लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी से घर पहुंचना होगा बिना बारिश आए हुए, बिना देरी किए हुए। बारिश आने के पहले घर पहुंच जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, भीगेंगे नहीं। दाऊ भैया बाइक में पेट्रोल डलवाते हुए और दो भाई हमारे निकल चुके हैं आगे। डॉक्टर आइन बीमार मोर बकरी है, डॉक्टर आइन खात रही घास भूसा खाई लीस लकड़ी है, डॉक्टर आइन बीमार मोर बकरी है, डॉक्टर आए। और एक बार फिर से रेस छिड़ चुकी है दोनों बाइकों के बीच में, उनकी बाइक आगे निकल चुकी है, इस बार अंकुर और राजा आगे वाली बाइक पे है, दाऊ भैया पीछे वाली पे। लोग आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे, हम लोग आगे आगे, ये लोग पीछे पीछे, उनको पीछे कर दिए तो हम लोग आगे हो गए। फिर शेर दाएं मुड़ गया, गोली भी दाएं मुड़ गई। रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा। महाराज तुम्हें 500 की स्पीड से भाग रही है।
जाओ जाओ। ये एक तो मूर्ति की एक समय था हम लोग इसी तरह साइकिल से जाया करते थे, आज समय है बाइक से जा रहे हैं, कभी कार से जाया करेंगे, फिर हेलीकॉप्टर उड़ेंगे हमारे, फिर हम लोग भी कहीं उड़ जाएंगे। यहाँ पे बेल चौराहा गया, बेल चौराहा है हमारे घर के पास का, यहाँ से 1 किलोमीटर घर है हमारा, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। पानी बरसने वाला था, पानी बरसने से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे, अब लग रहा है बादल बहुत तेजी से घेर चुकी है, कब पानी बरस पड़े कोई पता नहीं। गांव के मोड़ के पास आ गए, इंडिकेटर यहाँ जलता हुआ, यहाँ गांव का रास्ता ईंटे का शुरू हो गया। हमारे गांव का रास्ता इतनी खराब है कि आप देख सकते हैं, यहाँ गड्ढे गिरी, गड्ढे में गाड़ी बच गई। अगर ये वीडियो हमारी प्रमोद तिवारी, हमारे यहाँ के विधायक सांसद जो कह लो सभी वही हैं, तो आप लोग हमारे गांव की सड़क बनवा दीजिए प्लीज़। ब्लॉग बनाने का यही मकसद था कि सड़कें दिखाऊं मैं गाड़ी से, बाकी निमंत्रण वगैरह तो हम लोग खाते पीते रहते हैं पैदल भी जा जाके, और ये गड्ढा फिर आके, तो प्लीज़ हम लोग गांव का भी काज भी करवाइए, क्योंकि ये गड्ढे जो है कभी ना कभी दिक्कत करेंगे। देख लीजिए आप गड्ढे, डिपर मारो थोड़ा गड्ढे देखें, गड्ढे चले गए बपर ही मारो, गाँव के गड्ढे इसी तरह होते हैं। घर पहुंचने के हमें, चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट में ज़रूर। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।